क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रतिभा, आई एम फ्रॉम डीएन कॉलेज। जी, आप पूछते हो तो किस तरह का किरदार है, मतलब क्या करने, मतलब जीजू आप पहुंचे हैं? हाँ जी। तो यूथ फेस्टिवल में हम लोग आए हैं अभी इधर, तो किस तरह का किरदार है आपके कॉलेज का? मेरे कॉलेज ने हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, जैसे यहाँ पर टीवी फोर में हम लोग जो है म्यूजिक के लिए आए हुए हैं, हमारी परफॉर्मेंस है, वेस्टर्न है, हरियाणवी फोक है, क्लासिकल है, वोकल है, ईच एंड एवरी इवेंट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। और इससे पहले भी आपको पता ही होगा कि डीएन कॉलेज जो है वो कल्चरल में और एजुकेशन में, अभी रिसेंटली हमने A++ जो ग्रेड है वो हम लोगों को मिली है, और उसके अलावा जो कॉलेज है उसकी लास्ट ईयर की जो ट्रॉफी थी वो भी हम लोग लेके गए थे, और वो जो ट्रॉफी है वो रनअप होके वो हमारे कॉलेज में सेट हो गई है जी। क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक हम लोग विनर रहे हैं, तो इस बार भी हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार की ट्रॉफी भी हम लोगों की होगी। जैसे जर्नल इस बार डीएन कॉलेज ने ही करवाया है, तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा है कि हम लोगों ने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो संभाला, और जो इवेंट है वो इतना स्मूथली और सक्सेसफुली रहा कि हम लोगों ने बहुत चेयर अप किया, बहुत इंजॉय किया, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपीरियंसेस थे वो हम लोगों ने लाइक एक्सपीरियंस किए। तो आप टीचर्स हैं, स्टाफ में मतलब बच्चों का क्या देखते हैं? हाँ जी, आप क्या देखते हैं, मतलब आप स्टाफ के साथ आए हैं? हाँ जी, तो बच्चों को सिखाते हैं कि गाइड करते हैं? नहीं, मैं टीच करती हूँ, मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में। और कल्चरल में मेरा, जैसे जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरा भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, तो अभी स्टूडेंट्स के साथ आए हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको चीयर अप करने के लिए। नाम है आपका? सर, मेरा नाम सौम्या ओझा है जी, और मैंने सुबह अभी क्लासिकल सोलो परफॉर्म किया था जी। और अब मैं थिएटर करने जा रही हूँ, वन एक्ट प्ले हिंदी, जिसमें मैं नूर जहाँ का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ। कौन से कॉलेज से हैं? सर, मैं इसी यूनिवर्सिटी से हूँ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार जी। तो किस तरह का प्ले है आपका? सर, हमारा प्ले अफसाना निगार के ऊपर है, मेन इसका फोकस आर्टिस्ट के ऊपर है कि आजकल आर्टिस्टों की कदर नहीं की जाती है। आर्टिस्ट आजकल अपनी कला का प्रदर्शन हर जगह करते हैं, बट उसे सिर्फ एक दिखावा समझा जाता है, खिलवाड़ समझा जाता है, बट उनकी अंदर की तकलीफें नहीं समझी जाती है, लोग उनके साथ मजाक करके चले जाते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट समझाना चाहता है वो उनकी बातें कोई नहीं समझ पाता। तो ये पूरा डेडिकेशन एक आर्टिस्ट के ऊपर है जिसका नाम मंटो है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। कलाकारों से बातचीत करते हैं, कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस? आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ। तो आज हम यहाँ आए थे जीजेयू अपनी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, सो हमारा बहुत अच्छा गया और हमें लगता है कि हमारी फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी। चलिए, कैसा रहा, मतलब एक इसी में क्यों आए आप, रिचुअल में या किसी और में भी आप कर सकते हैं, हरियाणवी डांस में या किसी? इसका में सारा श्रेय मैं संजय सर को देना चाहूँगी, हमें गाइड करने वाले हमारे सर हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं। चलो ठीक, बताएं अपना नाम, बताएं कहाँ से हैं? मेरा नाम विशाखा है, मैं सर ट्रिक्की से हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ, और आज हमारा इवेंट था रिचुअल से रिलेटेड, तो हमने अपने रिचुअल में दिखाया कि खोड़िया जो शादी के बाद होता है, मतलब बारात चल जाती है और पीछे से लेडीज इंजॉय करती है उसको, इवेंट को हम थोड़ा सा जजेस के सामने प्रवेश करना चाहते थे, और इसको मतलब इस रिचुअल को बनाने में हमारे संजय सर का हाथ है, हम अपने कॉलेज का नाम करें विनर ट्रॉफी लेने के लिए हमने पूरी चीज शामिल करा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।